हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स देखिए आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये देखिए जिसे आप जैन स्वेटर में लेडीज़ कार्डिगन में गर्ल्स टॉप वगैरह में बेबी स्वेटर में भी इसको डालेंगे बहुत सुंदर डिज़ाइन है बहुत सुंदर लगेगा किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई करेंगे तो और इसे बनाना भी बहुत आसान है ये तेरह तेरह के मल्टीपल से बनता है प्लस इसमें दो फंदे हम इसमें ऐड कर देंगे तो इस डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं देखिए हमने इसमें बावन फंदे में ये डिज़ाइन सेट किया हुआ है बावन हमने लिए हैं तेरह चक्का बावन प्लस दो फंदे एस स्टिच एक इधर एक इधर यानी बावन फंदों में इस डिज़ाइन को मैंने सेट किया हुआ है तो चलिए अब डिज़ाइन को बना लेते हैं ये देखिए इस सिलाई में मैंने तेरह धुनी छब्बीस प्लस दो फंदे यानी अट्ठाईस फंदे इसमें डाले हैं ट्वेंटी एट फंदे इस रो में डाले हुए हैं इस सिलाई में अब देखिए फर्स्ट रो कैसे बनाएंगे हम पहला फंदा हमने सीधा बना लेना है ठीक है पहला फंदा सीधा बनाने के बाद धागे को अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा बनाना है धागे को पीछे अब ग्यारह फंदे हमने सीधे बनाने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे देखिए हमने सीधे बना लिए अब धागे को अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे ये देखिए तेरह फंदों का डिज़ाइन तेरह फंदों का ये डिज़ाइन है यहाँ से एच स्टिच को छोड़कर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इसी को हमने फिर से रिपीट करना है ये देखिए फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर ग्यारह फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये देखिए ग्यारह फंदे बना लिए फिर धागे को अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे ये देखिए ग्यारह तेरह फंदों का हमारा डिज़ाइन हो गया है लास्ट में स्टिच धागे को पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे देखिए फर्स्ट रो हमने बना ली है सेकेंड रो सेकेंड रो में क्या करेंगे एक फंदा उतार लेंगे एस स्टिच और धागे को पीछे करेंगे ये वाला फंदा देखिए हमें सीधा दिख रहा है हम इसे सीधा बनाएंगे और धागे को आगे करके ग्यारह फंदे उल्टे बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे अब इन्हीं फंदों को हमने बार बार रिपीट करना है ये देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे और ग्यारह फंदे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये देखिए धागे को पीछे करेंगे ये दस ग्यारह ग्यारह फंदे हो गए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे और धागे को आगे करके ये लास्ट वाला एस स्टिच उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए दो रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है अब ये देखिए थर्ड रो थर्ड रो कैसे बनाएंगे थर्ड रो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है सेम वैसे ही बनानी है एक फंदा उतार लेंगे और आगे करेंगे धागे को एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे ग्यारह फंदे सीधे बना लेंगे देखिए ग्यारह फंदे हमने सीधे बना लिए फिर धागे को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे अब इसी फंदों को हमने फिर से रिपीट करना है इसी डिज़ाइन को एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे फिर से ग्यारह फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ये ग्यारह धागे को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागे को पीछे करके एस्टेज सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और देखिए फोर्थ रो में जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं हमने उल्टे बनाने हैं जो सीधे दिख रहे हैं हमने सीधे बनाने हैं देखिए एक फंदा सीधा दिख रहा है इसको सीधा बना लेंगे और बाकी ग्यारह फंदे उल्टे बना लेंगे फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे इसी को हमने बार बार रिपीट कर लेना है चलिए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ फिफ्थ रो में मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ रो एक फंदा एस्टिच उतार लेंगे सेम ये जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड रो बनाई ना सेम वैसे ही बनानी है ये वाली रो भी देखिए एक फंदा उल्टा बना लेंगे और ग्यारह फंदे सीधे बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह फंदे बना लिए सीधे फिर धागे को आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे इन्हीं को हमने फिर से रिपीट करना है फिर से देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे और ग्यारह फंदे सीधे बना लेंगे देखिए हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है अब हम सिक्स रो बनाएंगे सिक्स रो हमने पूरी रो सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है अब ये देखिए हमने फिफ्थ रो बना ली है अब देखिए सिक्स रो सिक्स रो कैसे बनाएंगे सिक्स रो हमने सिक्स रो में कुछ नहीं करना है। ये फंदा उल्टा उतार लेंगे धागे को पीछे करेंगे और ये पूरी रो हमने अब सीधी सीधी बना लेनी है इसको इसमें हमने अब जैसे हम बना रहे थे पहले वैसे नहीं बनाएंगे ये पूरी रो हमने सीधी सीधी बना लेनी है से। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इस रो को सीधा सीधा पूरी रो बना लेती हूँ सेवन रो में मैं आपको दिखाऊंगी ये देखिए फ्रेंड्स सेवन्थ रो सेवन रो में क्या करना है एक फंदा हमने उतार लेना है धागे को अपनी ओर करना है अब एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागे को अपनी ओर करके धागे को पीछे करेंगे अब यहाँ पर देखिए ऐसे उतारेंगे दो फंदे हमने ऐसे उतार लेने हैं फिर इसको इस सिलाई में ऐसे लेना है बैक लूप से दो का एक करना है दो बारी करना है ये फिर से उतारेंगे एक दो फंदे ऐसे उतार लेंगे और इसको सिलाई में लेकर बैक लूप से दो का एक कर देंगे ठीक है ये कर लिया उसके बाद देखिए हमने जाली डालनी है और तीन बारी ऐसे एक फंदा बनाना है जाली डाल के एक फंदा ऐसे सीधा बनाना है ये देखिए दो बारी हो गया फिर जाली डालकर एक फंदा बनाना है तीन बारी हो गया अब फिर से जाली डालेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो फंदों का हम आगे की तरफ से दो का एक करेंगे ये देखिए एक बारी कर लिया दो बारी करना है हमको ये दो का एक ऐसे कर देंगे ठीक है और उसके बाद हमने देखिए ये धागे को अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा तेरह फंदों का डिज़ाइन है सेम हमने फिर से वही रिपीट करना है एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागे को पीछे करेंगे अब यहाँ पर ये देखिए दो फंदे ऐसे उतार के बैक लूप से दो का एक करेंगे फिर से दो फंदे ऐसे उतारेंगे और बैक लूप से इसको ऐसे ले लेंगे सिलाई पे और दो का एक कर देंगे अब यहाँ पर देखिए जाली डालते हुए तीन बारी एक बनाना है ऐसे एक फंदा बना लिया फिर जाली डाल के एक फंदा बना लिया फिर जाली डालकर एक फंदा बना लिया तीन बारी हो गया फिर से जाली डालेंगे और इसको आगे की तरफ से दो का एक करेंगे ये देखिए एक का एक कर दिया फिर इसको फिर से हमने करना है ये देखिए ये दो फंदा उल्टा बना लेंगे और धागे को पीछे करेंगे और ये वाला फंदा स्टिच सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए ये सेवन थ्रो कंप्लीट हो गई है और हमारी एट थ्रो में देखिए हम क्या करेंगे एक फंदा देखिए ऐसे उतार लेंगे स्टिच और पीछे करके सिलाई पूरी रो हमने सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है ये जाली वाले फंदे भी हमने पूरे सीधे सीधे बना लेने हैं रो का ही डिज़ाइन है इसी को आपने बार बार रिपीट करते जाना है तो आपका डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा बार बार आप बनाते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन बनता जाएगा और बहुत सुंदर डिज़ाइन है इसको ज़रूर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करना आसान भी है और बहुत सुंदर दिखने वाला डिज़ाइन है तो चलिए इसको हमने सीधी रो को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करना है एक टे रो को सारे फंदे हमने सीधे बना लिए हैं ये देखिए और देखिए ये ऐसे बन जाएगा इसके बाद फिर से हमने फर्स्ट रो से जैसे हमने स्टार्ट किया था ना सेम हमने फिर से वही स्टार्ट करना है और वन से लेकर एट तक हमारा ऐसे ही हम बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे तो हमारा ऐसे डिजाइन देखिए बनकर तैयार होगा और बहुत सुंदर डिजाइन है बहुत उभरा उभरा डिजाइन है जो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू